बढ़िया सब प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छा आइए बस सुन फिर आगे आपके मार्गदर्शन में आपकी सद प्रेरणा से आपकी इच्छा थी जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी ये तिरक्की है आजादी का अमृत महोत्सव ये 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ 75 सप्ताह का विशेष अभियान इसका मकसद ये है कि हमारे जो भी किसान हैं, बच्चे हैं, नागरिक हैं, उनको ये जानकारी हो ये स्वतंत्रता हमें बहुत हल्के प्रयासों से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति है, उनके प्रति अगाध श्रद्धा इस कणकण में इस वायुमंडल में विद्यमान है, उनके प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित करने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को उनसे जागरूक करने के लिए कि हम क्या कमियां थी जिससे हम प्रसन्न हुए, उन कमियों को कैसे दूर करें, इस पर चिंतन करने के लिए विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। आज इस अवसर पर हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और ज्यादा कुछ न कह करके कुलपति से कहेंगे कि आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो हमारे सभी किसानों के सभी परिवारों के घर में तिरंगा लहराए और इसकी इज्जत के स्वाभिमान आम बाल शान के लिए जिससे हमारे देश के अनगिनत लोगों ने युवाओं ने अपने प्राणों की बलिबेदी पर चढ़ गए और खुशी से झूमते रहे, उन्होंने कभी भी देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की। आज ये शपथ लेने का समय है कि हम देश के प्रति अपना सर्वस्व तन मन धन सब न्योछावर करने के लिए समर्पित हो जाएं और इस तिरंगे को कभी झुकने ना दें, ये शपथ लेने का समय है। मैं कुलपति से आह्वान करूंगा कि आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर अपना मार्गदर्शन आशीर्वचन और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मैंने कुलपति गांव के प्रधान जी, हमारे विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय के साथ पूरी इनकी टीम सीताराम मिश्रा, पूरी इनकी टीम डिग्री जी है, पूरे अध्यापक अध्यापक जितने भी प्रोफेसर किसी महाविद्यालय में आ रहे विद्वान है और हमारे छात्र भी वहाँ पर इस पाठशाला के जो है छात्र हैं और सम्मान नागरिक हैं। आज का दिन वास्तव में हमें यह सुअवसर है, जैसा कि अभी मैं विकास के पूर्वों में भी था वहां पर भी इसी तरह से एक उत्सव का माहौल था। पूरे 75वां साल शायद हमें से बहुत कम लोग होंगे जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए होंगे, से साथ सभी लोगों की जो है 75 साल से हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम स्कूल में है, थोड़ी देर बाद जाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। और आजादी के इस वातावरण में पैदा हुए, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, इसके लिए अनगिनत हमारे पूर्वजों ने यात्राएं से और अपने प्राणों की दी, क्योंकि केवल प्राणों की बलि नहीं, आपको इतिहास में अगर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इसके लिए यात्राएं कही है। यह तो सुल्तानपुर और अयोध्या का जो यहाँ पर और नदी का जो है संगम है, ये तो जगह जो है शहीदों का जगह है। यहाँ पर जो है पुरुषों को जो जितने भी महापुरुष हुए हैं और कई तरह के लोग यहाँ पर हुए, भगवान राम की नगरी तो है ही है, इसके अलावा भारतीय विद्वान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यह जो हर सरकार के माध्यम से हमारे मंत्री जी और प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया है कि हम पूरे प्रदेश के जितने भी घर हैं, जितने भी भवन हैं, हम 15 अगस्त को निश्चित रूप से झंडा फहराएंगे। ऐसे तो यह अभियान 11 से ही प्रारंभ हो गया है, आप चाहें तो अपने घरों पर आज से ही झंडा फहरा सकते हैं और ये 17 तक रहेगा। पहले था कि अंधेरे में उतार दिया जाता था, सरकार ने उसको जो है रिलैक्स कर दिया है। खासतौर से हमारे बच्चों में यह संदेश देना है कि जो हमारे महापुरुषों ने किस तरह के अपने त्याग दिए, और हम प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करेंगे और स्थानीय जो हमारे महापुरुष थे जो जिन्होंने अपनाए सही उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाए, क्योंकि हम जो है बड़े बड़े लोगों का जो है इतिहास में जिनका नाम दर्ज है उनको तो जानते हैं, लेकिन बहुत अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली है और स्थानीय स्तर पर भी इन लोगों ने बहुत सारे अपनाए सही हैं।
अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है, उसके बारे में भी हम अपने बच्चों को बताएं। हम लोग तो बच्चे थे, मैं इस तरह से स्कूल में कभी हमने दाखिला नहीं लिया, बिल्कुल इसी तरह के पेड़ थे वहां पर, हमने पढ़ा है। जब बरसात होती थी छुट्टी हो जाता था, नहीं तो हम लोग घर से चार लाते थे, यहीं पर बैठ के पढ़े हैं प्राइमरी स्कूल में। आज के बच्चे सौभाग्यशाली हैं, उनको बिल्डिंग और अच्छे छत के नीचे उनको पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं रहती थी। 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी को रात भर हम लोग पेपर के झंडे बनाते थे, और जब बांस के जो है झंडे में कहीं में डालते थे तो झंडा ऐसे डालते समय क्योंकि लही से बनाते थे फट जाता, फिर पूरा झंडा पेंट करने का भी कोई साधन नहीं था, वही कलर वाटर कलर था, उसी से हम लोग इधर जाओ, इधर उस साइड हाँ सर, और पीछे जाइए आप। इधर भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा और आगे ले जाइए, थोड़ा ऊपर तो भैया ऊपर हट जाओ, एक पेड़ पीछे दे दो, ठीक है सर, हो गया। अरे भाई सर, आप ऐसे पकड़ लीजिए पहले तो, बैनर एकदम नीचे कर लीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की। बैठिए, बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए ये बल्दिया डालो, बल्दिया डालो सर, एक मिनट नीचे थोड़ा बैठ लीजिए आप। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। अमर है, बोलिए भाई बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आ गया मैं साहब, और आ गया बोलो 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 बोलो
मातरम जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय ये जंक्शन हो गया भीड़ बाहर ठीक है जंक्शन हो बात नहीं ये यहीं पे मुड़ लो बच्चों बंदे बंदे ना भी करो जितेंद्र नारा भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ चार पाई पे घर लगा पीछे लगा लगवा था भारत माता की भारत माता की अच्छा है भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारत ये हमारे वंदे भारत माता के जय का नहीं बोल रहा है ऑफर बार बार नहीं आएगा चिल्ला चिल्ला अरे करम है करम भारत माता की जय भारत माता की जय Oh, my God.